हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 25 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए वो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। तो क्वेश्चन है, यदि 3 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो ग्राहक कितनी मात्रा में दूध पाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़िए। ₹3 प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उस ग्राहक को कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए दूध की मात्रा कितनी है, एक्स लीटर, ठीक है। मान लीजिए मात्रा कितनी दूध की, ये है एक्स लीटर, ठीक है। और कीमत है कितना, 3 रुपये प्रति है, तो कीमत क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कीमत हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, एक्स लीटर है तो कीमत हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, पानी मिलाने पर टोटल द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, x+4 मीटर। देखिए मात्रा जो है 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो अगर मात्रा x है तो 4 लीटर पानी मिलाने x+4 लीटर हो गया। देखिए इतनी चीज़ों को आप लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो गया, x+4 लीटर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी मात्रा में 4 लीटर मिलाया जाता है पानी, तो वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो मैंने बताया जैसा कि मात्रा कितनी थी, x लीटर, कीमत था 3x, और द्रव्यमान कितना हो गया था, x+4। इतना आपको दिमाग में रखना है। और आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पानी मिलाने पर, ठीक है, x+4, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे 4 होगा, x+4 × 3। 3 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई है, x+4 हो गया, और 3 में x का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है, ठीक है। x लीटर, 3x जो है आपकी कीमत, और द्रव्यमान हो गया x+4, तो यहाँ पे 3 × x की वैल्यू क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू है यहाँ पे x+4 है, तो 3 × x+4, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3x+12, ठीक है, 3x+12 होगा। आगे मैं ऊपर बता रही हूँ, 3x+12 होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है कि 20% लाभ कमाता है, ठीक है, 20% लाभ कमाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 3x+12, जैसा कि मैंने बताया, इज इक्वल टू 3x, क्योंकि कीमत पर वो ना 20% लाभ कमा रहा है, तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है, 120/100 हो जाएगा। अब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x+12 = 18x। काटा पीटी करेंगे तो 18x/5, ठीक है, 18x/5। फिर यहाँ पे ये इधर से हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे 15x हो जाएगा, 15x+60 = 18x, सिंपलीफाई किया गया है। उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ से हम लोग 18 में से, यहाँ जो एक सेकेंड, हाँ 18 में से यहाँ पे 15x माइनस किया, यहाँ पे 3x = 60, ठीक है, 3x = 60, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था मैंने समझाया, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराऊंगी क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं किया गया है, जो मैंने आपको बताया था सिंपल वही है कि मात्रा थी एक्स लीटर, ठीक है, कीमत थी 3x, और उसके बाद जब उसने पानी मिलाया तो क्या हो गया था, x+4 हो गया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+4, और फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्योंकि कीमत पर वो
20% लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे 120/100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काटा पीटी आप जो भी करेंगे, जो मैंने आपको समझाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अब मैं सब सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताऊंगी, तो देखिएगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल्स टू 9 है, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कैसे सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसा हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ऐसा क्या करें कि 9 हो जाए, क्या प्लस करें जो ऑप्शन में दिया है, उसको हमें मैच कराने के लिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि 1 का क्यूब, और बी की वैल्यू 2 रखते हैं, यानी कि 2 का क्यूब, क्योंकि हमको यहाँ पे 9 लाना है, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो 1+8 हो जाएगा 9, यानी कि आपने देखा मैंने यहाँ पे 9 कैसे लाया, ए की वैल्यू 1 रख करके, बी की वैल्यू 2 रख करके, इनका हमने कर दिया क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 8 है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो मैंने बताया ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, तो 1/1 + 1/2। एलसीएम लेकर सिंपल से सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 यहाँ पे 1/2, तो आएगा 3/2, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। इस तरह क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता है, बस सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 9 कैसे आएगा। 9 आएगा ए की जगह 1 रखने पर और बी की जगह 2 रखने पर, फिर इनका क्यूब कर देना है, 9 आ जाएगा। फिर यही ए की वैल्यू बी की वैल्यू इस इक्वेशन रख करके आंसर हमको लाना है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए सिंपल आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट इसमें आपको ट्रिक से करना है, बहुत ही समय आपका बचेगा। तो ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया होता है उसमें छोटी संख्या रख करके हम वैल्यू निकालते हैं, 0 नहीं रखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, छोटी है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 2। तो क्या एक्स की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो एक्स की जगह हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/x² यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। 1 का स्क्वायर, 1 का कितना भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर में 1 ही आएगा। तो 1+1 इज इक्वल्स टू 2 हमारा आ रहा है, तो हमें x की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। जब आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू 1 है, तो x की पावर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 1000 हो, करोड़ हो, वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है। x की पावर 6 यानी कि 1 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे छोटी संख्या रख करके पता करना है 1 का स्क्वायर क्या, 1/1 का स्क्वायर क्या, देखना है 2 आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है। बस जब हमें पता चला कि x की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पे x की जगह 1 रख करके वैल्यू पता कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, बहुत ईजी है। यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, हम ऐसा क्या रख दें, कौन से यहाँ पे वैल्यू रख दें कि x और y का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, ठीक है। x और y का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, ऐसा हमें क्या करना है। उसके बाद वो x और y को प्लस, स्क्वायर को प्लस करने पर 45 भी आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 18 दिया है, तो 18 का हम लोग कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, ठीक है। 6 और 3, तो क्या 6 और 3 का स्क्वायर करने पर और उनका प्लस करने पर 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना होगा। हमें एक साथ दो काम करना है, पहले तो हमें ये करना है कि एक्स वाई की जगह ऐसा एक्स और वाई का मल्टीप्लाई ऐसा क्या करें कि 18 आ जाए, और उन्हीं वैल्यू को स्क्वायर करके प्लस करने पर हमारा जो है 45 आ जाए। ऐसा कौन सा डिजिट होगा, नंबर होगा, उसके बाद उन नंबरों को हमें प्लस करके आंसर लाना है। तो मैंने बताया कि x और y यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो 18 का गुणनखंड कर देंगे हम लोग, तो कैसे होगा वो, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 2 × 3 का मल्टीप्लाई, तो आता है 6 और फिर × 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। एक तो हमारा सही हो गया, चेक हो गया। अब 6 और 3 का स्क्वायर करके प्लस करने पर हमारा 45 आ रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि एक वैल्यू थी 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता 36, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता 9, तो 36 और 9 प्लस करने पे 45 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हम एक्स की वैल्यू आ गई 6
वाई की वैल्यू आ गई आपकी क्या 3, ठीक है। तो अब एक्स प्लस वाई को प्लस करके हमें आंसर बताना है, तो 6 और 3 को जब हम लोग प्लस करेंगे, 6 और 3 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स प्लस 1/x उसको सिर्फ 2 है, तो x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 माइनस 2 का मान आपको बताना है क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारा यहाँ पे 2 आ जाए, यानी कि x प्लस 1/x में हम ऐसा क्या कर दें कि यहाँ पे 2 आ जाए, उसके बाद वही x की वैल्यू में पुट करके यहाँ पे आंसर को पता करना है। तो क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x, ऐसा क्या कर दें कि यहाँ पे 2 आ जाए। देखिए मैंने कहा था 1 रख देना होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन, बट आपको 1 रखना है। 1 प्लस 1/1 = 2, देखिए 2 आ रहा है, 1 प्लस 1 = 2 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसको निकालने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना होता, ऑप्शन पर नहीं जाना होता, ऑप्शन हमें देखना है इसके आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 प्लस 1/1 = 2 आ रहा है, यानी कि एक्स की पावर 99 और 1/x की पावर 99 वैल्यू रखना है। तो एक्स की पावर मैंने कहा था, एक्स की पावर कुछ भी कर दो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, आंसर 1 ही आता है। तो एक्स 99 प्लस 1/x 99 माइनस 2 वैल्यू पता करना है हमको। तो 1 की पावर 99 प्लस 1/1 की पावर 99 माइनस 2, तो 1 की पावर 99 1 होता है, प्लस 1/1 की पावर 99 1 होगा माइनस 2, यानी कि 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। 1 तो 1 ही रहेगा, 1/1 की वैल्यू 1 आएगी, माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ मैथ्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।